सो गाइस, क्या आप सभी लोग भी मतलब व्हाइट 444 और रोक एफएफ की तरह वन टैप मारना चाहते हो, वो भी शॉटगन से? पहले तो आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही न्यू ट्रिक है। पहले आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग इस न्यू शॉटगन से आप लोग कैसे मार सकते हो वन टैप। शॉटगन का नाम होने वाला है स्पैश 12 के भाई, और आप लोग को पता ही हमारा फ्री फायर पहला ऐसा शॉटगन है जिसमें आप लोग को स्कोप देखने को मिलता है, तो उसमें आप लोग कैसे वन टैप मार सकते हो, मतलब हर गोली मतलब हैकर की तरह वन टैप मार सकते हो, जैसे कि व्हाइट 444 BNL रोक एफएफ सब मारते हैं। तो आप लोग भाई वीडियो को मतलब एंड तक देखना, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यू ट्रिक है भाई लोग, ये आपको जल्दी पता नहीं चल, जल्दी कोई बताएगा भी नहीं, तो बताता हूँ कि भाई अभी यूट्यूब पर भी आया है, तो मैंने मुझे एक ट्रिक न्यू पता चला कि भाई एक ऐसा न्यू ट्रिक आया है, तो इसे कैसे करना है आपको बताऊंगा। तो अगर जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप सभी को बताने से पहले मैं खुद उसके ऊपर ट्राई करता हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं। तो मैं ट्राई किया और ये ट्रिक बिल्कुल ही काम आया, 100% आप लोगों को मैं दिखाता हूं प्रूफ के साथ। सबसे पहले देखो आप लोग क्या करना है, अपने कोई भी टीममेट को लाना है यहां पर, और ये देखो आप लोग यहां पर ऐसे करके जंप करना है, और ये देखो भाई कैसे हेड लग रहा है, खाली देखो यार, मतलब अगर देखो अगर मैं यहां पर मतलब जो इसका जो होता है ना, अगर एम लॉक जो है आप लोगों को मतलब इसके पैर में नहीं रखना, मतलब इसके चेस्ट पे रखना तब लगेगा। देखो जैसे अगर मैं यहां पर नीचे रख रहा हूं जैसे इसके पैर के पास, तो ये हेड नहीं लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मतलब हेड लगेगा ही नहीं, मतलब क्या ही बोला, देखिए देख रहे हो पैर के पास आप लोग को नहीं रखना है। मैं आपको बताता हूँ एम कैसे रखना, देखो एम देखो जैसे कि अभी भी पैर के पास रख रहा हूँ नहीं लग रहा है, लेकिन देखो अब जैसे कि मैं चेस्ट में रख रहा हूँ, देखो कैसे हेड लग रहा है, देख रहे हो मतलब हर गोली हेड लग रहा है, और फायर बटन भी आप लोग देख लो, मैं यहाँ पर जैसे कि आप लोग दिखा रहा हूँ, मतलब देखो मतलब पहले चेस्ट में आप लोग को एम रखना, मतलब अच्छा से और सही टैंप आप लोग ड्रैग करना है, मतलब सही टैंप देख लो भाई आप लोग पहले देख लो, यहाँ पर आप लोग जैसे कि ड्रैग बटन भी आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैं कैसे ड्रैग कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ मतलब हर गोली मतलब हेड में लग रहा है बंदे का, जैसे कि आप लोग देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों को, मतलब सही टाइम पर आप लोगों को जंप करना है, और सही टाइम पर जंप करने के बाद आप लोगों को फायर बटन को भी हल्का सा ट्रैक करना है, स्कोप इन करिए जैसे कि आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, आपको कैसे दिखा रहा हूँ, और अगर लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर सही से अगर एम नहीं लगाओ तो ये हेडशॉट नहीं लगने वाला है, जैसे कि आप लोग देखो जैसे कि मेरे कैसे लग रहा है, फिर से देख लो एक बार, देखो पूरा मतलब रेड नंबर्स लग रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो भाई आपके आंखों के सामने, देख लो रेड नंबर्स लग, ये कैसे लग रहे हैं आप लोग, मेरे फायर बटन पर थोड़ा ध्यान दो, मैं फायर बटन को कैसे यूज़ करूँ, मतलब इसे आप लोगों को थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा तभी जाके ये होगा, मतलब जंप करना है फिर ड्रैग करना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाता हूँ भाई, देखो मतलब क्या एक जहर जैसा हेड लग रहा है, तो इसी के लिए जैसे वो मैंने आपको बताया कि क्या करना है आप लोगों को, मतलब जैसे कि आपको जंप करना है तुरंत से, आप लोग जंप करने के बाद बॉडी मतलब जो बंदा का होता है आप लोगों को एम जो रखना है उसके चेस्ट में रखना, आप लोगों को पता है ऑटो एम जो उसके बंदे के चेस्ट पे लगता है, तो लोग सीधा वहीं पर आप लोग जंप करना, और आप लोगों को अपना थोड़ा दिमाग लगा के भाई आप लोग सही टाइम पे जैसे मतलब जंप करके आप स्कोप इन करके आप लोग जंप करना, जैसे आप लोग स्कोप इन करके जंप करोगे तो वैसे ही आप लोग जैसे बंदा का हेड देखोगे उसी टाइम आप लोग ड्रैग करना, हल्का सा ड्रैग करना है, मतलब ज़्यादा नहीं करना वरना फिर एम ऊपर चल जाएगा, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था, हल्का सा आप लोग ड्रैग करना, उससे क्या होगा भाई मतलब बंदे का सीधा हेड में लगेगा, आपको पूरा दिखाया था, और आप लोग फायर बटन भी जैसे कि आप लोग मेरे हेडशॉट में देख सकते हो, मेरे फायर बटन भी कैसा मैंने ट्रैक कर रहा हूँ, आप लोग वैसे भी ट्राई कर सकते हो, और भाई आप लोग मैं आपको पहले बता दूँ तो ऐसा नहीं कि भाई आप देखोगे तो भाई एक ही बार में आप लोग हो जाएगा, मतलब अगर प्रैक्टिस लेगा 1 से 2 दिन भी लग सकता है, लेकिन ये आराम से हो जाएगा, मतलब आप लोग को पता ही है बिना प्रैक्टिस से कोई चीज़ नहीं होने वाला है, कोई भी चीज़ आप लोग कर लो प्रैक्टिस लगता ही लगता है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं भी प्रैक्टिस किया लेकिन मेरा भाई एक घंटा मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे लिए बहुत था, और उससे मेरा हो गया 1 घंटा में, तो आप लोग उससे भी जल्दी हो सकते, तो आप लोग अच्छे से जैसे कि देख के ट्राई करोगे तो आप लोग को हो जाएगा, मतलब आप लोगों को मतलब ये जो है इसका मेन मैटर करता है आपका टाइमिंग, हाँ भाई टाइमिंग मैटर करता है, आप लोग जंप करके स्कोपिंग करके आप लोग मतलब कैसे किस टाइम पर आप लोग मतलब यहाँ फायर कर रहे हो, मतलब आप लोगों को पूरा एम आप लोग रखना है उसके चेस्ट पे, और आप लोगों को जंप करके सही टाइम पर आप लोगों को मतलब फायर करना है जिससे वो बंदा का एम जो है वो पूरा हेड में लाए, और भाई इससे क्या होगा मतलब अब जो स्कोपिंग करके मारते हो ना स्पैश से, तो इससे क्या होता है मतलब आपका जो एम है वो इधर उधर नहीं जाता है, मतलब और गन में अगर आप लोग मारोगे इधर उधर जाता है, आपको पता है इसमें से एक ही गोली निकलता है, मतलब टैप टैप वाला गन तो एक ही गोली निकलता है जो भाई सीधा हेड में जाता है, और दूसरा सा खास बात ये है कि भाई ये जो है ये शॉट गन है, तो भाई एक गोली में सब काम खलास हो जाता है, इससे भाई आप लोगों का हेड शॉट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा तो भाई मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि भाई मैं ये वीडियो जो है मैं कल शूट कर चुका था लेकिन मैं कल डाल नहीं पाया यार, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था जैसे मैं डाल नहीं पाया इस वीडियो को भाई, क्योंकि भाई टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो भाई आज की वीडियो में आपको भी 2 वीडियो बताऊंगा जैसे कि मैंने उस टाइम बनाया, और ये वीडियो आपको मैं बनाया हूँ, तो भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना जरूर से जरूर, आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक शेयर भी जरूर से कर देना, और भाई आप लोग ट्रिक जरूर से ट्राई करना, तो भाई चलो होप करते हैं वीडियो पसंद आया, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।